भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है, आरएसएस चित्पावन ब्राह्मणों का एक संगठन है, हिंदू हिंदू तो वो लोगों को बरगलाने के लिए कहते हैं, तो इसका उपाय क्या है? और अगर एससी एसटी ओबीसी एक हो जाए तो कोई भी ईवीएम उनको नहीं हरा सकता। और इस बार भी चुनाव नेताओं ने नहीं लड़ा था, इस बार चुनाव जनता लड़ी थी। एक से एक वाहियात कैंडिडेट, पॉक्सो के आरोपी चुनाव जीते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। हम लोग ऐसी सभा में बोल लेते हैं लेकिन हमारे नेता लोग, दरअसल दिक्कत है कि हमारे पास न पार्टी है न नेता। पार्टी थी, बनी थी, बहुजनों की पार्टी थी, लेकिन जो दायित्व आदरणीय काशीराम जी देकर गए थे वो दायित्व पूरा नहीं किया जा रहा। ओबीसी की तो और बुरी हाल, जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों को आप लोग पढ़ते होंगे, हमारी गोदी मीडिया नहीं बताएगी, आप ये बताएगी कि मोदी अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत चाहते व्यक्ति बन गए। कौन बनाया भाई, कौन सी संस्था है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है बार बार कि भारत में जो बेरोजगारी की संख्या निरंतर मल्टीप्लाई हो रही है, तो सरकार ने कहा उस रिपोर्ट को हम चुनौती देंगे। ये इल्लीगल सरकार है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार, जिस पर सबसे पहले उंगली हम लोगों ने उठाई है। लेकिन उठाना किनको चाहिए था? संसद में सदस्यों को, लीडर ऑफ अपोजिशन को। पता नहीं क्यों ये डरते हैं इन बातों को कहने में। साहू जी महाराज के साथ साथ जितने लोग योगदान दिए, जो बाबा साहब के भी मेंटोर्स में थे, सभी को स्मरण करते हुए मैं आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी को, और विजेंद्र जी हैं, डॉक्टर रतन लाल जी हैं, हमारे पटेल साहब हैं, और जितने मैडम हैं जो वी द पीपल के, और हमारे जितने साथी हैं, सभी को मैं जय भीम के साथ अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये मैं इसलिए थोड़ा पहले बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे वक्ता तो हमारे पास बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो स्टार स्पीकर्स जो हैं वो आखिरी में बोलेंगे, हम लोग उतने मंजे हुए नहीं हैं तो शुरू में बोलना पसंद करते हैं। लेकिन क्रोनोलॉजी दिखाना होगा, क्रोनोलॉजी समझना होगा कि क्या हो रहा है देश। ये जो जजमेंट आया, आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी कई सभा, और रतन लाल जी हम लोग कई सभा में साथ थे इसके पहले, ये कोई अचानक से नहीं आया। सभी सभा में वक्ता, और कोई हम और आप नहीं, जो भी बोलने वाले आते थे वो कहते थे कि अब क्रिमी लेयर का भी जजमेंट आने वाला, और ये जजमेंट आया। इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव, सबसे अधिक चिंता का विषय कि जो बाबा साहब द्वारा वोट का अधिकार दिया गया है उसका गबन, उसका एक तरह से मैनिपुलेट करके सत्ता पर ठगों का काबिज रहना, जिसके विरुद्ध लगातार संघर्ष हुआ। हमारे, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी का, क्योंकि इन्हीं के सानिध्य और इन्हीं के नेतृत्व में ईवीएम के विरुद्ध भी संघर्ष हुआ। हमारे कुछ साथी थोड़े भटक भी गए लेकिन संघर्ष जोरदार चला, और भी बेहतर हो सकता था अगर राजनीतिक दल हमारा साथ देते। राजनीतिक दलों ने साथ नहीं दिया। बार बार जब डॉक्टर रतनलाल और मैं खुद राहुल गांधी जी से बात किए तो उन्होंने अपने सभाओं में इस बात का जिक्र किया और जोर शोर से किया, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि ईवीएम गलत है, उसको टैकल कैसे करना है उसका कोई उनके पास रास्ता, या उन्होंने लोगों को कोई रास्ता नहीं बताया। महाराष्ट्र में बंबई में जब न्याय यात्रा जो थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो रहा था, तो जो वहां इंडिया गठबंधन के और नेता थे, उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी और भी जो नेता थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। हमारे बिहार के नेता उसमें चूक जाते हैं अक्सर, सामाजिक न्याय के बजाय वो ए टू जेड की राजनीति पे जोर दे रहे थे, नतीजा सामने है।
लेकिन क्या हुआ उसके बाद? एक चुनाव आयोग का गठन हुआ जो मैनिपुलेटेड था, जो अध्यक्ष होने वाले थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने वाले थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए एक ऐसा कमेटी गठन किया जिसमें सरकार सरकार और सिर्फ सरकार थी, यानी कि चीफ जस्टिस जो उसके मेंबर होने वाले थे उनको हटाकर सरकार के एक मंत्री को रखा, प्राइम मिनिस्टर को रखा और अपोजिशन के एक नेता जो उस समय बंगाल के हमारे सांसद थे अधीर रंजन चौधरी जी। तो क्या हुआ, एक ऐसा चुनाव आयोग बना जो पहले से तय था कि चुनाव किस दिशा में जाएगा, क्या करना है, उसको वो पहले से उनके पास मैप रोड मैप तैयार था। लोगों के वोट को हटाना, अल्पसंख्यकों के वोट को नहीं गिरने देना, दलित पिछड़ों के वोटों में से कटौती करना, और इन सब के बावजूद जब वो चुनाव हार रहे थे तो 11 करोड़ वोट को जोड़ देना, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम की एक संस्था है बंबई में, उन्होंने आज से 7 दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ये जो बढ़े हुए वोट थे जिसका कोई औचित्य, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन चुनाव आयोग ने नहीं दिया था, उसके कारण 79 सीट्स जो इंडिया गठबंधन के थे वो एनडीए के खाते में चले गए और उन्होंने ब्रेकअप भी दिया है, उसमें दिल्ली का भी 1-2 सीट का जिक्र है, महाराष्ट्र के सबसे अधिक सीटों का जिक्र। अगर वो वोट में बढ़ोतरी नहीं की जाती तो महाराष्ट्र से बीजेपी का 1 या 2 सीट भी आना मुश्किल था, और सबसे कम जो अनाउंसमेंट हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, और हम देख रहे हैं कि जो अभी सीटें इंडिया गठबंधन जीती है उत्तर प्रदेश में उसमें 5 सीट और जोड़ दीजिए, जो बहुत कम मार्जिन से उलटफेर हुआ। तो यह सरकार जो है यह इल्लीगल सरकार है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार, जिस पर सबसे पहले उंगली हम लोगों ने उठाई है, लेकिन उठाना किनको चाहिए था? संसद में सदस्यों को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, पता नहीं क्यों ये डरते हैं इन बातों को कहने में। पूरे देश को नीट के माध्यम से ठगा गया, बच्चे जो है डॉक्टर बनने के लिए उनके पेरेंट्स लाखों कोचिंग में खर्च कर रहे हैं, कोई कोटा भेज रहा है, कहीं और भेज रहा है, और पता चला कि पैसा देकर लोग बन गए। क्या एक भी डिमांड आया कि पूरे इस साजिश और इस घिनौने स्कैंडल और जिसको कहना चाहिए इतने बड़ा घोटाले का सरगना देश का शिक्षा मंत्री को हटाया जाना चाहिए? एक बार भी किसी ने संसद में नहीं बोला। एनटीए का अध्यक्ष प्रदीप जोशी, जो संघ के बहुत करीबी, किसी कॉलेज में सीनियर लेक्चरर थे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया उसके, उसी समय एक खूनी घोटाला हुआ था व्यापम, जिसका अभी भी ओढ़ छोड़ नहीं पता चला, लेकिन 100 से अधिक लोग उसमें जाने गई थी क्योंकि उनको पता चलते जा रहा था। तो ये मैं सिलसिला आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये उस कंटेक्स्ट में इस जजमेंट को देखना है, ये जजमेंट आउट ऑफ ब्लू नहीं आया। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट चाहती तो कई सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पड़े हुए हैं, ईवीएम का मसला 2023 में कोर्ट में आया था, एक ही गुजारिश थी कि अगर बैलेट से वोट करने नहीं दे रहे हैं तो वीवीपीएटी की पर्ची आप दे वोटर्स के हाथ में, वो देखेंगे और उसको डब्बे में गिराएं और डिजिटल काउंटिंग के साथ साथ वो काउंटिंग हो। मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, 28 जुलाई को वेनेजुएला नाम के एक देश में
जो 5-6 देश हैं जहां ईवीएम का इस्तेमाल होता है, बाकी जगह बैलेट होता है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, सभी जगह बैलेट का इस्तेमाल, जापान जो चिप बनाता है उसके यहाँ बैलेट इस्तेमाल होता है जो ईवीएम का चिप बनाता है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति के चुनाव में इसी तरह का भारी घोटाला हुआ और आज तक अभी जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों को आप लोग पढ़ते होंगे, हमारी गोदी मीडिया नहीं बताएगी, आप ये बताएगी कि मोदी अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत चाहते व्यक्ति बन गए। कौन बनाया भाई, कौन सी संस्था है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है बार बार कि भारत में जो बेरोजगारी की संख्या निरंतर मल्टीप्लाई हो रही है, तो सरकार ने कहा उस रिपोर्ट को हम चुनौती देंगे। अपने यहां काउंटिंग बंद कर दिया है, सर जानते होंगे कि सांख्यिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स को क्लोज कर दिया गया। भुखमरी की गिनती नहीं होगी, बेरोजगारों की गिनती नहीं होगी, जो लोग रेलवे एक्सीडेंट्स में मारे जा रहे हैं रोज उनकी गिनती नहीं होगी। तो आपको फिगर्स कहां से मिलेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय कोई एजेंसी आपको फिगर देता है तो देशद्रोही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के अंतर्गत ये फिगर्स हमें दे रहा है। तो ये जजमेंट इस बैकग्राउंड में आया, एक असंवैधानिक सरकार जिसको चुनौती मिल रही थी जाति जनगणना कराने का, जिसको चुनौती मिल रही थी कि देश के तमाम संसाधन बेचे जा रहे हैं, प्राइवेटाइज किए गए हैं, उसको रोको, जिसको चुनौती मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और भी राज्यों में जहां दलितों के साथ उत्पीड़न और उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है, इसके तहत आंदोलन उठे, उसको दरकिनार करने के लिए डिवाइड एंड रूल क्या मिलना है? मैं एक साधारण क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप अगर 100 पोस्ट के लिए 500 लोग आ जाए तो आप उसमें वर्गीकरण करेंगे कि सबसे अधिक जरूरी किनको है, लेकिन 100 पोस्ट के लिए आपके पास 60 लोग ही आए तो उसमें वर्गीकरण क्या कीजिएगा? एक भी स्टैटिस्टिक्स सरकार के पास नहीं है जो बताती है कि सारे के सारे एससी सीट्स बढ़े गए, अभी भी जो बैकलॉग है उसको गोल कर दिया गया एससी एसटी सीट्स, ओबीसी तो बाद में लागू हुआ उसके भी बैकलॉग गायब है, लेकिन एक दो साल पहले जो ईडब्ल्यूएस आया उसके दूसरे मत के जितने हैं यानी ओबीसी के सीट्स सारे को ईडब्ल्यूएस किया जा रहा है उसके बैकलॉग को भरने के, एससी एसटी के सीट्स को खत्म किया जा रहा है, और ये रोस्टर जो अभी मसला यहां दिया गया है फ्रॉड रोस्टर, इसका बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिल्ली विश्वविद्यालय, रोज मंत्री जी बोल रहे हैं लोकसभा में झूठ बोल रहे हैं, कहा कि हमने कानून बनाया है कि अगर एससी एसटी के पोस्ट जो है नहीं भरे जाएंगे तो उसको हम डी रिजर्व नहीं करेंगे। अरे आप पहले ही रोस्टर में उसको पलट देते हैं, डी रिजर्व कहां करते हैं? पहले से ही रोस्टर को आप मैनिपुलेट करके जो ओबीसी के सीट से एससी एसटी के हैं और जो विश्वविद्यालय में हमारे साथ डॉक्टर रतनलाल जी पढ़ाते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से वो रोस्टर आता है, उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जगह में जब 13 पॉइंट रोस्टर के विरुद्ध हम लोग खड़े हुए थे, हमारे जितने एससी एसटी ओबीसी के साथी थे जो हमारे साथ आंदोलन में थे, 10-10 साल पढ़ाए थे, सबको निकाल दिया गया है सड़कों पर, कोई बोलने वाला नहीं, हम लोग ऐसी सभा में बोल लेते हैं लेकिन हमारे नेता लोग, दरअसल दिक्कत है कि हमारे पास न पार्टी है न नेता है, पार्टी थी बनी थी बहुजनों की पार्टी थी लेकिन जो दायित्व आदरणीय काशीराम जी देकर गए थे वो दायित्व पूरा नहीं किया जा रहा। ओबीसी की तो और बुरी हाल है, मैं तमाम अनेक राज्यों में जाता हूं, एक विरासत के कारण भी मुझे आमंत्रित किया जाता है और मैं देख रहा हूं कि सिर्फ ओबीसी को कितनी तादाद है कि अगर इकट्ठे हो जाए तो किसी समीकरण की जरूरत नहीं, और अगर एससी एसटी ओबीसी एक हो जाए तो कोई भी ईवीएम उनको नहीं हरा सकता,
और इस बार भी चुनाव नेताओं ने नहीं लड़ा था, इस बार चुनाव जनता लड़ी थी। एक से एक वाहियात कैंडिडेट, पॉक्सो के आरोपी चुनाव जीते हैं। इसलिए जीते क्योंकि लोगों ने मन बनाया हुआ था कि हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना, लेकिन आपके वोट को मैनिपुलेट किया गया, उसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठी। हम लोग आवाज उठा रहे हैं लेकिन हमारे आवाज को सुनने वाले और उस पर चलने वाले कम गए बार बार। अब ये मैं आखिरी दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ये जजमेंट जो है, इसके बाद एक और आना है, एक और शॉक फॉर ओबीसी कि रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट लागू। रोहिणी कमीशन क्या है? वो ओबीसी में वर्गीकरण की बात है। हमारी बात हुई, राजेंद्र पाल जी ने कहा कि डीएमके पार्टी ने सपोर्ट कर दिया, तो पी विल्सन साहब सांसद है, अभी मिलने भी जाएंगे हम, उन्होंने कहा, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और मैं चाहूंगा कि वो प्रेस स्टेटमेंट के माध्यम से या संवाददाता सम्मेलन करके यह क्लैरिफिकेशन दें कि चूंकि पहले से तमिलनाडु के सरकार में वर्गीकरण किया गया था, उसको जो चुनौती दी गई थी, वो केस चूंकि तमिलनाडु सरकार ने जीती है, उस पर उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और खासतौर से पी विल्सन चूंकि उसमें एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये कैटेगरिकली उन्होंने कहा है कि एससी में क्रीमी लेयर के हम खिलाफ हैं, खिलाफ है, खिलाफ, और हम चाहेंगे कि उसको वो प्रेस में जारी करें और जिससे हमारे लोग के बीच में किसी तरह का शंका नहीं। अब बात आ रही है कि क्या किया जाए। ये जजमेंट आया, बहुत सर बताएंगे, 554 पेज का जजमेंट है, ऑपरेटिव पार्ट पढ़ चुके हैं। ऑपरेटिव पार्ट में एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि बिना इम्पेरेटिव डाटा के हम ये लागू नहीं कर सकते। इम्पेरेटिव डाटा मतलब हुआ जाति जनगणना, और जाति जनगणना ये सरकार कराना नहीं चाहती, किसी कीमत पर नहीं कराना चाहती है, पता नहीं कौन भेद खुल जाएगा। दरअसल सिर्फ ये नहीं भेद खुलेगा कि कौन सी ओबीसी जातियां जिनके तादाद बहुत अधिक है और उनको कुछ नहीं, ये आ जाएगा सामने कि 2% 1% जो ब्राह्मण है या सवर्ण में भी जो उच्च सवर्ण है, यानी सबसे उच्च ब्राह्मण को हम मानते हैं चूंकि ये हमें बताया गया है, वो 99% देश के सत्ता धन और संसाधन पर काबिज, ये लोगों को एक डेटा के रूप में पता चलेगा। इसका डर अधिक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है, आरएसएस चित्पावन ब्राह्मणों का एक संगठन है, हिंदू तो वो लोगों को बरगलाने के लिए कहते हैं। तो इसका उपाय क्या है? मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले आपको याद दिलाऊंगा कि हम लोग पिछले 2019 से 2024 के दौरान 3 आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को पराजित किया। पहला आंदोलन था जब एससी रिजर्वेशन को निरस्त करने के लिए इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, 2 अप्रैल 2018 को स्वतः किसी संगठन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, लेकिन लोगों ने अपनी ताकत सड़कों पे दिखाई, सर ऑर्गेनाइज किए थे बोर्ड जंतर मंतर पर सभा, पॉलिटिकल लोग भी आए थे, शरद यादव जी भी थे उपस्थित। दूसरा आंदोलन 2019 में जब 13-point रोस्टर लागू किया गया, उसमें भी हमें जो उस आंदोलन का गार्जियनशिप था राजेंद्र पाल गौतम जी के पास था, लड़ने वाले डॉक्टर रतन लाल, हम लोग और दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे बहुत से साथी, मैं सभी का नाम अभी नहीं ले पाऊंगा। और 5 मार्च 2019 को हमने भारत बंद का कॉल दिया था, उसी दिन 4 बजे उस आदेश को सरकार ने वापस किया। और तीसरा बड़ा आंदोलन का जीत हुआ था किसान आंदोलन, जब 8-9 महीने 700-800 लोगों को मारने के बाद भी एक संगठित किसानों की ताकत को कुचला नहीं जा सका, तो घुटने टेक दिए अडानी के नौकरों ने, अडानी के स्टाफ ने अडानी के हित को उस समय परवाह नहीं की क्योंकि चुनाव है। तो कोई भी फैसला हो, बहुत ट्विटर पर सर बहुत से आ रहे हैं संदेश, कई संगठन जो हर महीने भारत बंद कॉल देते हैं
उसके पीछे एक मंशा होती है कि जब वास्तविक रूप से लोग एक पूरे गुस्से में अगर कोई कॉल दे तो वो उसी तरह का कॉल दिखे जैसा हर महीने दिया जाता है। कुछ संगठन उसमें पीएचडी कर चुके हैं, भारत बंद कॉल देने, ऐसा कॉल नहीं हो जिसमें भी हो, अगर सड़क पर उतरना है, कैसे उतरना है, क्या उतरना है, उसका समुचित रूप से सारे बहुजन समाज का एक साथ लेकर किया जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जय भारत और जय संविधान करके अपनी बात समाप्त करता हूँ।